उर्वा चीख क्यों रहा था? क्या हुआ? कुछ नहीं ताई अम्मा, आप बताएं क्या करूं? कोई काम? तुम ऐसा करो, ये लो कपड़ा और ये खुश कर दो बर्तन। तुम अपनी गुड़िया की शादी करना चाहती हो ना? जी। तो जब बारात आएगी उसे खिलाओगी क्या? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो सोचना चाहिए था ना। अच्छा ऐसा करते हैं, बारात को कोरमा और पुलाव खिला देते हैं। पुलाव और कोरमा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बनाएगा कौन? मुझे नहीं आता बनाना। मैं बनाऊंगी। सच? आप बनाएंगी? मैं बनाऊंगी, बल्कि तुम्हारी गुड़िया की शादी का जोड़ा भी मैं सीजू। सच्ची? आप सी देंगी? हाँ। आपको पता है ये अमीना और उर्वा के दरमियान तल्खियाँ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही। अपने बेटे की शक्ल पर शादी के बाद एक लम्हा खुशी नहीं देखी मैंने। समझाऊंगा मैं उर्वा को, और तुम भी उससे कहो कि वो अमीना की छोटी मोटी गलतियों से दरगुजर कर लिया करे, माफ कर दिया करे। उर्वा तो अब मेरी एक नहीं सुनता, बल्कि आपके साथ साथ अब वो मुझे भी कसूरवार समझता है इस सब का। सकीना तुम भी उसको घरदारी के कामों में शामिल करो, उसे सिखाओ। शुरू शुरू में गलतियां करेगी, लेकिन बिलाखिर सीख जाएगी, समझदार बच्ची है। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी।